सो मेरे भाई लोग, पहले तो यार प्रीव्यू देख लो, काफ़ी ज़्यादा कमाल की जो है वो वीडियो होने वाला है आज का। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाया है मैंने, इसलिए भाई छोटा ही वीडियो है, 7 से 8 मिनट का वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा इजी वे में है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना मेरे भाई बिना स्किप के। तो सबसे पहले हमको कुछ इस तरह की शायरी बनाने के लिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे एक PNG बनाना होगा शायरी वाला। तो यहाँ पे PNG में कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ। देखो पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे शायरी लिख लेनी है। शायरी मैंने ऑलरेडी अपने भाई नोटपैड में मैं नोट करके रखता हूँ शायरी, बाकी जो लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो या फिर ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कोई एक शायरी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलो मैं यहाँ से ये वाली शायरी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मेरे भाई, यहाँ से मैं शायरी सेलेक्ट ऑल करके पूरी को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कॉपी करेंगे तो हमको क्या करना है, पिक्सल लैब में ला के इसको पेस्ट कर देना है मेरे भाई। इसको जो है हमको शायरी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है मेरे भाई। अब हमको देखो यहाँ पे क्या करना है, अब हमको इसका साइज़ वगैरह जो भी हम PNG बनाते हैं वो सिंपली हमको PNG बना लेना है। तो PNG में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन यार PNG बनाना भी मैं हर वीडियो में इसलिए बता देता हूँ क्योंकि सब बंदों को यार PNG बनाना नहीं आता है और हर वीडियो का PNG जो है वो अलग तरीके से बनता है। वो हमको क्या करना है, इसका साइज़ यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। 2 लाइन में शायरी को लाना चाहें 2 लाइन में ला सकते हैं, आप चाहें तो भाई इसको 3 लाइन में कर सकते हैं। अब हमको पहले क्या करना है, इसमें इमेज साइज़ पहले ही मैं करना भूल गया था, अब कर लेता हूँ। यहाँ पे एक इमेज साइज़ का ऑप्शन आएगा, इमेज साइज़ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे 1280 लिखा हुआ आएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले 1280 को काट के यहाँ पे हमको 722 यानी कि 722 यहाँ पे कर देना है मेरे भाई। अब इसको 722 को यहाँ पे कुछ ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ये एडजस्ट हो जाएगा, हमको क्या करना है, एक इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है मेरे भाई। भाई ये वाली इमेज जो है मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसमें से ये वाली इमेज का PNG आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि कैसे, मतलब कि सॉरी, ये वाली इमेज जो भी आप यूज़ करना चाहें, ये वाला PNG आप चाहें तो कोई और सब यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको ये वाला यूज़ करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेना और यूज़ कर लेना मेरे भाई। अब हमको करना है इस इमेज का जो है, इस पहले हमको जो है शायरी का यहाँ पे फंड चेंज करना है। शायरी का फंड पे आए और यहाँ पे मेरे पास है आर्या बोल्ड फंड, मैं यहाँ पे आर्या बोल्ड फंड यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको आर्या बोल्ड फंड चाहिए, ये वाला फंड जो मैं इसमें शायरी में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर लेना और इसको डाउनलोड कर लेना। अगर भाई पिक्सल लैब में ऐड करने में कोई भी दिक्कत हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है कि पिक्सल लैब में फंड कैसे ऐड करें, तो उसको देख लेना और ऐड कर लेना मेरे भाई। अब आप चाहें तो यार शायरी का जो कलर है वो ग्रेडियंट कलर भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, सिंपल कलर भी रख सकते हैं। भाई जो इफेक्ट मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा ना, तो भाई आप क्या करें, आपको जो है ग्रेडियंट कलर यूज़ करना है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ब्लैक और भाई ब्लू करके 2 कलर यहाँ पर यूज़ कर ले रहा हूँ। लेकिन आपको यार ग्रेडियंट करना है, क्योंकि भाई मैं करना भूल गया था ग्रेडियंट, ये रिकॉर्डिंग कर ली हुई भी है और ऑडियो बाद में लगा रहा हूँ मेरे भाई। तो हमको मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है और अब हमको क्या करना है, इस इमेज पर क्लिक करना है और थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी शेडो को इनेबल कर देना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा OP लगेगी। जैसे ही शेडो इनेबल होती है PNG की, वो काफ़ी ज़्यादा OP लगने वाली है मेरे भाई। शेडो इनेबल कर दिया मैंने, इनर शेडो ओपन करेंगे तो भाई बेकार हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हमने शेडो भी इनेबल कर ली है, देखो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे शेडो इनेबल कर ली है और फाइनली इतना काम जो है वो अपना हो चुका है शायरी के PNG का। अब हमको क्या करना है, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। भाई एक मिनट ज़रा इसका शेडो ऑन करके देख लेते हैं भाई, जो कि शायरी है इसका शेडो ऑन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा OP लगेगा यहाँ पे। भाई मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका मन चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं शेडो को। शेडो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है बैकग्राउंड में, जो कि रेड रखते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मैं यहाँ पे शेडो जो है वो मेरे भाई यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ करें या ना करें। लेकिन शेडो आप वो तो भाई अपनी अपनी चॉइस पर आ जाती है बात, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी। अब हमको करना है इसको PNG में करके सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो है अपने अकाउंट का नाम लिख देना है। मैं यहाँ पे अपने अकाउंट का नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बंदों से PNG नहीं बनता है, तो वो ये वाला PNG यूज़ कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, PNG जोकर PNG या फिर शायरी PNG करके आप उसको डाउनलोड कर लेना। यही वाला PNG जो मैंने बनाया है आप वो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस बार ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम यहाँ पे नहीं डाला है। अब हमको क्या करना है, अलाइट मोशन में आ जाना है मेरे भाई। लाइट मोशन में आपको एक XML इंपोर्ट कर लेना है, न्यू शेक इफेक्ट टैग विद Jack 69, ये वाले इफेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे भाई। ये जो यहाँ पे XML है, अगर आप
आपको XML डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जाके ये वाला वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू इम्पोर्ट XML फाइल। इस वीडियो में मैंने बताया कि इम्पोर्ट कैसे करते हैं XML फाइल को और डाउनलोड कैसे करते हैं, पूरा डिटेल में बताया है, तो आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। चलो मैं दोबारा से आ जाता हूँ वहीं पर, आप उसको देख लेना अगर आपसे इम्पोर्ट ना हो मेरे भाई। तो मैंने तो इम्पोर्ट कर लिया है यहाँ पर। जैसे आप XML को इम्पोर्ट कर लोगे मेरे भाई, आपके सामने कुछ इस तरीके से रेड सर्कल आ जाएगा। आपको करना है रेड सर्कल वाली लेयर पर यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे एक भाई राइट हैंड साइड में आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके साइड में यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 3 डॉट आ जाएंगे मेरे भाई, आपको क्या करना है 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कॉपी इफेक्ट का ऑप्शन आएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और इस लेयर को जो है डिलीट कर देंगे मेरे भाई। इस लेयर पर क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करें, एक मिनट भाई डिलीट का ऑप्शन, अरे 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 एक मिनट, पहले इस लेयर पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे करके कुछ इस टाइप से क्लिक करना है मेरे भाई। भाई ये जो रेड सर्किल वाली लेयर है इस पर क्लिक करके ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पे इस लेयर को यहाँ पे डिलीट कर देंगे मेरे भाई। इस लेयर को डिलीट करेंगे और वो वाला PNG यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया है। तो वो वाला PNG मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे HDR इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। HDR इफेक्ट आई होप आप सबको यूज़ करना आता होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा HDR इफेक्ट कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसकी लेंथ हमको यहाँ पे 7 से 8 सेकंड कर लेनी है, जो आप लेंथ रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन आपको भाई मिनिमम 6 से 7 सेकंड तो रखनी है, तभी जो है वो इफेक्ट काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, काफ़ी अच्छे से लगेगा वीडियो पे। अब हमको करना है इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे हम इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इधर साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 3 डॉट आ जाएंगी, यहाँ पर हमको 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट का एक ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा मेरे भाई। पेस्ट इफेक्ट पर आपको करना है क्लिक कर देना है। जैसे आप पेस्ट इफेक्ट करोगे तो जो भी इफेक्ट हमने वहाँ से कॉपी किए थे रेड सर्कल से, वो यहाँ पे शायरी पे लग चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं। तो फाइनली अपनी वीडियो जो है यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई साउंड भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे को साउंड नहीं लगाना है यहाँ पे, वो आपकी चॉइस है आप साउंड लगाएं या ना लगाएं। तो आपको क्या करना है राइट हैंड साइड में एक्सपोर्ट का ऑप्शन तो भाई सभी को पता है, लेकिन मैं फिर भी एरो करके बता देता हूँ, जो कि नए बंदे होते हैं उन पर यूज़ करना नहीं आता है। अब इतने यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो रही है, मैं वीडियो को रोक देता हूँ और देखो वीडियो यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको प्ले भी करके दिखा देता हूँ एक बार, देखो काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रही है वीडियो जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यार कर देना। पिक्सल लैब में फंड ऐड ना हो तो उसका भी वीडियो डाला हुआ है, इम्पोर्ट भाई XML इम्पोर्ट हो ना हो या फिर डाउनलोड ना हो तो उसके बारे में वीडियो डाला हुआ है, उसको ज़रूर से देख लेना। और यहाँ पे हमको करना है इस वीडियो को कर लेना है सेव और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सारे PNG के लिंक आपको प्रीसेट PNG के प्रीसेट वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है मेरे भाई। तो ये रहे यहाँ पे काफ़ी सारे मैं डालता रहता हूँ, देखो ये जो अगर आप अच्छा सा कमेंट करोगे तो मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पर डालूंगा, जहाँ पर भाई लगभग 4400 सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो सभी बंदे लाइक करेंगे। तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो। ये रहा ये वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं कि डाउनलोड कैसे करें मटेरियल, और काफ़ी सारे XML PNG मैं यहाँ पर डालते रहता हूँ, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं।